ऐसी ही मजेदार रेसिपीज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरे चैनल पे ये कमेंट किया है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका किचन काफ़ी अच्छा है, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि एक टिपिकल अमेरिकन किचन कैसा दिखता है। आपको एक टूर देना चाहती हूँ अपने किचन का कि एक अमेरिकन किचन में क्या कॉमन फीचर्स होते हैं। ये एक कॉमन अमेरिकन किचन है, कोई फैंसी किचन नहीं है, हमारा एकदम नॉर्मल किचन है, पर मैं आपको सारे फीचर्स दिखाऊंगी एक अमेरिकन किचन में क्या क्या होता है। सबसे पहले आप नोटिस कर ही रहे होंगे अमेरिकन किचन खुला होता है, ओपन किचन होता है। आजकल उस तरह के किचन का इंडिया में भी फैशन आ गया है। जैसा इंडिया में बाकी के घरों में देखा होगा कि दीवारें होती हैं किचन में, ऐसा कुछ नहीं है, ये किचन बिल्कुल खुला हुआ होता है। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये इसे जो स्लैब स्पेस देख रहे हैं, इसे आइलैंड कहते हैं। और अमेरिकन इस स्पेस को ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो लोग बार स्टूल लगा लेते हैं और इस स्पेस में वो ब्रेकफास्ट करते हैं। अब हम चलते हैं इस साइड स्लैब के। यहाँ पे हमारा इस स्लैब के अंदर ही ये मशीन इंस्टॉल है, इसे डिश वॉशर कहते हैं। जैसे इंडिया में हमारे कपड़े धोने की मशीन होती है, वैसे ये बर्तन धोने की मशीन है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें इस तरह से दो रैक्स हैं, इसमें हम बर्तन, पहले हम जूठन निकाल लेते हैं बर्तनों की, बर्तन के जो खाने के कण हैं वो निकाल लेते हैं और उसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं बर्तन। और ये ऐसी एक छोटी सी टिकिया आती है, ये टिकिया इस छोटे से स्लैब में जाती है और इसे बंद कर देना होता है और फिर बस ये मशीन को आप ऑन कर दीजिए। और ये मशीन यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन है, इसमें अलग अलग साइकिल्स होते हैं। एक साइकिल में ये पहले तो बर्तनों को रिंस करता है, ड्राई भी करता है, तो बेसिकली इस बर्तन गरम गरम पानी से अच्छे से धुलते हैं और उसके बाद सूख भी जाते हैं एकदम क्लीन। तो मैं क्या करती हूँ, रात के सारे बर्तन इसमें डाल के और मैं सो जाती हूँ, सुबह मुझे बर्तन क्लीन मिलते हैं। तो चलिए अब हम इस साइड आते हैं। ये हमारा सिंक है, जहाँ पे मैंने आपको कहा है कि हम बर्तनों के जो खाने के कण हैं वो निकालने होते हैं हमें, क्योंकि हम डायरेक्टली बर्तन इसमें नहीं डाल सकते मशीन में। तो ये सिंक स्पेस है और ये देखिए इसमें आप नल है और इसका इस्तेमाल करके आप वो जो बर्तनों में जो बचे हुए खाने के कण हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें ये तीन बटन है, अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इसे शॉवर जैसा करना है तो आप इसे ऐसे दबा सकते हैं और ये यहाँ तक जाता है ताकि आप कोने कोने तक इसे क्लीन कर सकें। अब जहाँ तक की बात थी खाने के कण, इंडिया में एक ये प्रॉब्लम होती है कि हम खाने के कण इसमें नहीं डाल सकते, जो सिंक का ये जो होल है इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि ये ब्लॉक हो सकता है, पर यहाँ हम डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर अंदर लगा हुआ है। मैं आपको चला के दिखा सकती हूँ। हमारे पास खाने के पार्टिकल तो नहीं है, देखिए, तो अगर आप इसमें जब खाने के पार्टिकल डाल भी देंगे तो वो ग्राइंड होके अंदर चला जाता है। हालांकि ऐसे बहुत हार्ड खाना नहीं डालना है, जैसे हड्डियाँ हो गई या अंडे के छिलके, ऐसा कुछ नहीं डाल सकते, पर बाकी का सब कुछ, सब्जी, आलू, चावल, रोटी के टुकड़े, सब इसमें जाके ग्राइंड हो जाता है। तो और इसके अलावा ये ब्रश इसे क्लीन करने के लिए, और यहाँ पर ये ऐसा है ट्रेंड कि आप किचन में एंटर और किचन में जब एंटर होते हो तो भी आप अपने हाथ धोने होते हैं, और किचन से हम जब बाहर निकलते हैं काम करके तो भी हाथ धोते हैं, तो यहाँ पे हम हैंड वॉशर भी रखते हैं। तो अब हम चलते हैं इस साइड में। ये यहाँ पे मैं फ्रूट स्टोर करती हूँ, जितना भी फ्रूट हम लाते हैं, ताकि फ्रूट सामने ही रहे, बच्चे भी जो भी देखे तो आसानी से खा लेते हैं फ्रूट्स। और इसके अलावा ये जो है, ये इसे टिश्यू रोल कहते हैं। यहाँ पे जैसे हम किचन के कपड़े यूज़ करते हैं किचन को साफ करने के लिए, हाथ पोंछने के लिए, यहाँ ऐसा ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे लोग टिशू किचन के टिश्यूज़ यूज़ करते हैं। इसे आप सिंपली फाड़ें, अपने हाथ पोंछें और फेंक दें इस तरीके से। तो ये टिशू होल्डर है जिसमें हम किचन के टिशू होल्ड करते हैं, एक बार ये ख़त्म हो गया तो दूसरा ला के रख देते हैं। अब हम चलते हैं फ्रिज की तरफ।
तो ये हमारा फ्रिज है, अगेन बहुत बेसिक सा फ्रिज है, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं है। यहाँ पे हमने हमारा एक कैलेंडर लगा दिया है जिसमें हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात लिखनी हो कि हमें सैटरडे क्या करना है, मंडे को क्या करना है, सारी प्लानिंग हम इसमें रख देते हैं। हस्बैंड वाइफ कभी कभी हम भूल जाते हैं चीज़ें, कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को बताना भूल जाती हूँ कि कल मेरे बेटे की स्विमिंग क्लास है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ओके मेरे बेटे की आज स्विमिंग क्लास है, या हमें किसी ने खाने पे बुलाया है, अगर हम भूल गए तो हम जाना ही भूल जाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरा कैलेंडर मंथ टू मंथ लिखते रहते हैं। अब ये जो फ्रिज है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो आप डोर देख रहे हैं, ये फ्रिज है, और ये वाला फ्रीजर है। मैं आपको दिखाती हूँ, कोई सिंपल सा फ्रिज है मेरा, ये पूरा फ्रिज है, ये पूरे खाने के अलग अलग टाइप के सामान मैंने स्टोर किए हुए हैं, सब्जियां नीचे हैं, ये दूध है, यहाँ पे दूध इस तरह मिलता है, आपको शायद पता भी हो, यहाँ पे दूध इस तरह के कैंस में मिलता है, चार चार लीटर के कैंस में, और ऐसा नहीं कि दूध वाला देने आता है हमें, इसी तरीके के कैंस वाले दूध पीते हैं हम। इसके अलावा मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये फ्रीजर सेक्शन है, इसमें सारा फ्रोजन आइटम है, आइसक्रीम्स है, जो भी मेरे बेटे का यह थोड़ी सी इसमें सॉफ्टी है, हमने चिकन फ्रीज किया हुआ है थोड़ा, वो है। लोग यहाँ पे ये सेक्शन बहुत बड़ा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लोग फ्रोजन खाना बहुत खाते हैं, लगभग सब हर कोई फ्रोजन खाता है, हम नहीं खाते इसलिए हमारा लगभग खाली है, हम लोग फ्रेश खाना बनाना पसंद करते हैं। अब ये जो सेक्शन है, अंदर फ्रिज के फिल्टर लगा हुआ है, तो हमें अगर फिल्टर्ड पानी पीना है तो आप देखिए, ये वाटर का है, मैंने वाटर दबाया हुआ है और आपको बस ये दबाना है और ये फिल्टर्ड पानी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अब आपको बर्फ़ चाहिए तो बर्फ़ भी आप इस तरह से, इस ये जो क्रश्ड है, मैंने क्रश बटन दबा दिया है और आप देखिए, तो बर्फ़ जो गोले का जो क्रश्ड बर्फ़ होता है वैसी बर्फ़ आपको मिल जाएगी। आपको क्यूब्स में बर्फ़ चाहिए तो आप ये बटन दबा दीजिए, इस तरह से आपका ये, तो ये फ्रिज सबका काम करती है, पानी बर्फ, और पानी भी फिल्टर होता है, फिल्टर हमें चेंज करना होता है हर 6 महीने। तो इसके बाद हम आते हैं इस सेक्शन में, ये सेक्शन बेसिकली मैं कुकिंग में यूज़ करती हूँ, ये आपको हमारा इंडिया का रोटी रखने का डब्बा है, इसे हम राइस कुकर कहते हैं, यहाँ चावल बनाने के लिए ये कुकर यूज़ किया जाता है। इसमें सिंपल बहुत आसान है, बस चावल नमक और पानी डाल के आप चले जाइए, मैं ऑफिस चली जाती हूँ और को बंद करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप टाइमर खुद ही बंद कर देता है, सब्ज़ी मैं सुबह लगा देती हूँ, चावल लगा के चली जाती हूँ, तो अगर हस्बैंड को आके खाना खाना हो तो चावल इसमें गर्म भी रहते हैं। इसके अलावा चलिए ये सारे मेरे चाकू हैं, अलग अलग साइज़ के कैंची, ये सारे एक ही साथ में रखे रहते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, अलग अलग साइज़ के यहाँ चाकू कैंची हैं, ये छोटे चाकू हैं। इसके अलावा ये जो है ये हमारे मसाले के सेक्शन हैं, अलग अलग सारे मसाले मैंने रख रखे हैं, और जैसे ही मुझे, मैं क्योंकि इस एरिया को जैसा मैंने कहा कुकिंग में यूज़ करती हूँ, बस मसाला लेती हूँ और इसमें कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ। अब चलते हैं हमारे कुकिंग सेक्शन में, ये हमारा 5 गैस का है, इसमें देखिए गैस ही यूज़ करते हैं यहाँ भी कुछ, पर यहाँ पे सिलेंडर का सिस्टम नहीं है, पाइपलाइंस लगे हुए हैं और पाइपलाइन के थ्रू गैस आती है, गैस फ्लो होती है और हमें मंथली बिल आता है, जैसे हम लाइट का बिल पे करते हैं वैसे ही हम यहाँ इधर गैस का बिल पे करते हैं। और यहाँ पे मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल लगाई हुई है ताकि कचरा जो भी है, अगर खाना बनाते समय गंदा हो तो ये ख़राब ना हो, और मुझे ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता, बस मैं एल्युमिनियम फॉइल लेके फेंक देती हूँ और दूसरी लगा देती हूँ, तो ये ज़्यादा ख़राब नहीं होता है इसके। और ये जो आप देख रहे हैं ये ढक्कन से जो हमने लगाए हुए हैं, यहाँ पे लोग लगाते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, ताकि छोटे बच्चे गैस के नॉब को टच ना कर पाएँ और उसे एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए मैंने भी ये कवर्स इस पर लगाए हुए हैं। अब नीचे की तरफ ये ओवन है, ये देखिए काफ़ी बड़ा ओवन है, यहाँ के लोग बेकिंग बहुत करते हैं, तो अगर आपको कुछ भी तंदूरी बनाना हो, केक बनाना हो, बाटी बनानी हो, तो सब कुछ मैं इसमें बनाती हूँ,
सिंपल है, बहुत आसान है इसको यूज़ करना भी। और ये तो माइक्रोवेव आजकल इंडिया में लगभग हर घर में है, तो ये हमारा दीवार में ही लगा हुआ है माइक्रोवेव। और इसमें यहाँ पे एक बटन है, देखिए इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो जो खाने की स्मेल होती है वो ऊपर चिमनी है, ऊपर चिमनी से पूरा स्मेल और धुआं चला जाता है। उसके आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप रात में खाना बना रहे हैं, आपको यहाँ पे लाइट की ज़रूरत है तो यहाँ लाइट भी है। तो बस इसी के साथ मैं ये हमारा टूर ख़त्म करती हूँ। तो आपको ये हमारा किचन कैसा लगा आप ज़रूर ज़रूर कमेंट में बताइए, और स्पेशली ये बताइए कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्योंकि अलग अलग फीचर्स मैंने आपको बताए, आप ज़रूर ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा सेक्शन बहुत अच्छा लगा और फ़ायदेमंद लगा कि वो हमें इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आप ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।